इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लॉ स्टूडेंट अक्सर इसके बारे में पूछते रहते हैं कि वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं और वो कहाँ करें, तो इंटर्नशिप के लिए मैं एडवाइस करूँगा, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स के स्टूडेंट हैं लाइक BLLB, BBLLB, तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहिए। सेकेंड ईयर में आपको किसी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके ऑफिसर्स में जाना चाहिए। थर्ड ईयर में आपको क्या है हाई कोर्ट में जाना चाहिए और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करनी चाहिए या किसी मिनिस्ट्री में करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आप सीनियर स्टूडेंट होते हैं आपको सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ की नॉलेज हो जाती है, और जब तक आपको सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ की नॉलेज नहीं होती है तब तक आप केसेस के नेचर को नहीं समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इन स्टार्ट में आप क्या है टॉर्टियस लायबिलिटी के केसेस को, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू वाले केसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो स्टार्ट आप क्या है टॉर्ट से और क्या है कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हैं, उसके बाद आप सिविल और क्रिमिनल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जैसे आप जानते हैं कि इंटर्नशिप ऑफर करते हैं उसकी वजह ये होती है कि सबको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत होती है, और जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं जिसके वजह से वो मन लगा के काम करते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे कई बार गलत जगहों पे इंटर्नशिप करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं पर उनको जो प्रॉपर बेनिफिट है वो नहीं मिल पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या है मिनिस्ट्रीज को लिया है जहाँ पे आप क्या है इंटर्नशिप कर सकते हैं और ये आपको हमेशा फायदा करेगा। दो फायदे यहाँ पे आपको मिलते हैं, एक तो आप मिनिस्ट्री में जब आते जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक रियल लाइफ वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में पता पड़ता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और लॉ के स्टूडेंट का जो प्रैक्टिस है वो लिटिगेशन में भी आती है और पॉलिसी में भी आती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग का काम करती है और साथ में लॉ बनाने का भी काम करती है, तो अगर आप गवर्नमेंट के किसी बॉडी के साथ काम करते हो तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटर्नशिप है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंटर्नशिप विथ नीति आयोग, तो नीति आयोग में आप कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग का ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप क्या है ये सब नीतियाँ ये पॉलिसीज कैसे बनती हैं उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इंटर्नशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इंटर्नशिप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंटर्नशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इंटर्नशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इंटर्नशिप विथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, BSNL, MTNL, TEC, CDOT एंड TRAI। नेक्स्ट द वोमेन इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ केयर इंडिया, इंटर्नशिप ऑफ एट PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इंटर्नशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटर्नशिप विथ सीरियस फ्रॉड ऑफिस, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इंटर्नशिप, इंटर्नशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंटर्नशिप विथ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंटर्नशिप विथ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंटर्नशिप विथ नेशनल म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंटर्नशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इंटर्नशिप विथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंटर्नशिप विथ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटर्नशिप विथ सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन, इंटर्नशिप विथ सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, इंटर्नशिप विथ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, इंटर्नशिप विथ इंडियन अकेडमिक ऑफ साइंसेस। तो ये कुछ प्रॉपर हैं या फेमस हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल क्या है कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो स्टेट में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जितने ऑलमोस्ट क्या है बहुत सारे ऑर्गन्स या जो बहुत सारी बॉडीज जो हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगी, ऑलमोस्ट उसी की ही ब्रांचेस आपको स्टेट में भी मिलेंगी। तो आप स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखिए जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यहाँ पे इंटर्नशिप है। इस तरह से आप सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट्स पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी कि इंटर्नशिप आप कैसे कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ड्यूरेशन कैसे होगा और वो क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आपको चेकलिस्ट दे रखी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तब आप क्या है इंटर्नशिप का क्या है आपको गवर्नमेंट ऑफर देगी और आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट के क्या है
जो मिनिस्ट्रीज हैं वहां पे काम इंटर्नशिप कर चुके हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हो, नीति आयोग हो या एक्सटर्नल अफेयर्स हो। तो ये देखिए नीति आयोग है, तो यहाँ पे भी इंटर्नशिप जैसे हमने डिस्कस करा, ये इंटर्नशिप के बारे में दिया है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो क्लिक करके कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, तो यहाँ पे भी क्या है देखिए गाइडलाइंस फॉर इंटर्नशिप, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और ये एक फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो देखिए इस तरह के फॉर्म्स हैं जिसमें डिटेल्स यहाँ पे मेंशनड हैं, और यहाँ पे कुछ आपकी पर्सनल क्या है डिटेल्स हैं उसको आप फिल करिए, और जो भी उनका ईमेल आईडी है वहाँ पे इसको सेंड कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स हैं फर्दर इंटर्नशिप के। अब इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो है यूनाइटेड नेशंस। जैसा आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और वो ऑर्गन्स क्या है आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और बस आपको अप्रोच करनी है, और बिलीव मी आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये लॉ के स्टूडेंट को हमेशा प्रमोट करते हैं, और अगर कोई लॉ का स्टूडेंट वहाँ पे जाता है इंटर्नशिप के लिए तो उसको वो एक्सेप्ट करते हैं उसके। और यूनाइटेड नेशंस के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, एजेंसीज हैं, उनके क्या है जो ऑफिसर्स हैं वो इंडिया में भी हैं, तो आप इंडिया में भी क्या है अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। अब ये देखिए UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं है, इसके ऑफिसर्स इंडिया में भी हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी सर्च करने में। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसकी वेबसाइट को ब्राउज करिए जो इंडिया में है, वहां पे जाके जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं वहां पे आप चाहे फोन नंबर है या ईमेल आईडी है, जो भी मोड दे रखा है कॉन्टेक्ट का, आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए और आप बताइए कि आप लॉ स्टूडेंट हैं, इस यूनिवर्सिटी में हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी क्या क्या है, कवर लेटर लेके आप वहाँ पे अप्लाई करिए, और वो आपको क्या इंटर्नशिप आपको ऑफर करेंगे। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, UNFP है, UN हैबिटेट है, यूनिसेफ है, WFP है, और इसके बाद क्या है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आती हैं जैसे FAO है, ICAO है, IFAD है, ILO है, IMF है, IMO है, ITU है, यूनेस्को है, यूनिडो है, UNWTO है, UPU है, WHO, WIPO, WMO, वर्ल्ड बैंक, एंड इसके अलावा कुछ और हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस एड्स, UNHCR, UNITIR, UNITAR, UNOPS, UNRWA, UNSSC, UN वोमेन, सिटी BPBTO, IAEA, IOM, OPCW, UNFCCC एंड WTO। और ये देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, तो आप क्या है सबसे बेस्ट तरीका है, आप चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप करना चाहते हैं, या अपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप करना चाहते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहते हैं, चाहे आप हाई कोर्ट में करना चाहते हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस में काम करना चाहते हैं, या कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ओपेक है, सार्क है, G8 है, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह क्या है इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, बस आपको अप्लाई करना है। तो इंटर्नशिप के लिए आप एकदम परेशान ना हो, जो मैंने आपको तरीका बताया है सिंपल, वेबसाइट को जाके ब्राउज करिए, वहां पे जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उसको कॉन्टेक्ट करिए, ईमेल आईडी दे रखी है तो उनको ईमेल करिए, और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। इन केस आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो प्लीज अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है मैसेज कर